हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड टाइप नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी टॉपिक है। कृपया इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 4 किलो वाली एक बॉल 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए 12 केजी की रुकी हुई अन्य बॉल से टकरा जाती है। टकराने के पश्चात दोनों बॉल एक साथ चलती है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग यानी वी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लास्ट चल यानी कि वी निकालने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा 4 किलो, किलो यानी कि मास, मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो आपका मास दे रखा है, यानी कि आपका फ्रेंड्स दे दिया हुआ है। पहले लिखेंगे कि गिवन दैट। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, तो आपका M1 दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि प्रथम द्रव्यमान दे रखा है कितना, 4 केजी। ठीक है, फिर क्या दे रखा है आपका V1, वेलोसिटी 1 दे रखा है कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आपका जो है 12 केजी की रुकी हुई अन्य बॉल से टकरा जाती है। ठीक है, देखिए 12 केजी की रुकी हुई अन्य बॉल से टकरा जाती है, यानी कि दूसरा मास दिया हुआ है, तो यानी कि आपका M2 दिया हुआ है। ठीक है, M2, तो M2 कितना दिया हुआ है, 12 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, 12 केजी। अच्छा, यहाँ पर V2, ठीक है, V2 आपका नहीं दिया हुआ है, यानी कि V2 मान लेते हैं 0। ठीक है, और निकालना क्या है फ्रेंड्स, वेलोसिटी यानी कि V निकालना है। ठीक है, अंतिम वेग निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला दे दूं, आपका एक फॉर्मूला होता है कि V बराबर M1, V बराबर M1 गुना V1 प्लस M2 गुना V2 बटा M1 प्लस M2। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा कैसे, रखिए कि V बराबर M1 जो कि आपका दे रखा है कितना, 4 गुना V1, V1 दे रखा है कितना 8, प्लस M2, M2 दे रखा है कितना 12, और गुना V2 कितना है 0 बटा M1 प्लस M2, तो M1 है 4 और M2 है 12, तो लिखेंगे 4 प्लस 12। अब चलेंगे तो V बराबर 8 का 32 प्लस 12 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 12 चार कितना 16। ठीक है, अब इसको काट देंगे फ्रेंड्स, तो 16 गुना 32, तो V जो आपका निकल गया 2 निकल गया, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका अंतिम वेग कितना था, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, आप बनाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप जैसे कि देख सकते हैं, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई पर उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, यानी कि W निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है 1 केजी मात्रा यानी मास दिया हुआ है, यानी कि m आपका दिया हुआ है कितना, 1 केजी, तो लिख देंगे 1 केजी। ठीक है, इसके बाद 9.8 मीटर ऊंचाई, बताए थे ना कि ऊंचाई यानी ग्रेविटेशनल होता है छोटे जी का मान, तो छोटे जी का मान दिया हुआ है आपका ऑलरेडी कितना, 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा h दिया हुआ है, h, अब देखिए h भी दिया हुआ है कितना, 9.8 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी दिया हुआ है आपका 9.8, और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है W, तो W देखिएगा, W बराबर होता है कार्य बराबर, ठीक है, MGH, क्या होता है MGH, W बराबर MGH, जहाँ की आपको पता ही है ये आपका मास है, ये आपका ग्रेविटेशनल है, या आपका हाइट है। ठीक है, तो अब इस पर रख देंगे, पुट कर देंगे, तो देखिएगा W बराबर निकालेंगे, तो W बराबर, ठीक है, MGH, ठीक है, तो मास कितना ले रखा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना G, G का मान होता है 9.8, तो लिखेंगे 9.8, और H का भी मान दिया हुआ है 9.8, यानी कि आपका W बराबर हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार गए तो 2 से गुना,
ठीक है, तो 9.8 × 9.8 ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका जूल। मकाज कैसे मात्रा क्या होता है ना, जूल होता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ज्यादा से ज्यादा चाहें तो इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है? चलते हैं, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई मनुष्य 3 सोपानों की किसी सीढ़ी पर 40 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सोपान की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति निकाले, यानी कि आपको पी निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया है, पहले देख लेते हैं, तो आपका दे रखा है गिवन दैट, ठीक है, क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, 60 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि एम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना 60 केजी, ठीक है, मास आपका दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि 40 सेकंड यानी कि समय दे रखा है, टी दे रखा है 40 सेकंड, ठीक है, समय दे रखा है 40 सेकंड। इसके बाद फिर बोलता है कि 30 सोपानों की किसी सीढ़ी पर, 30 सोपान यानी कि वही पाया जो होता है उसी सीढ़ी पर चढ़ता है, और कहता है कि यदि प्रत्येक सोपान की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होता है, एक सोपान की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार 30 सोपान यानी कि 30 वो जो है सीढ़ी चढ़ने वाला होता है वो 30 ठो है, तो जब एक का ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर तो 30 का ऊंचाई कितना होगा, तो हाइट यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से हाइट निकाल लेंगे हम लोग, तो एच बराबर हो जाएगा 30 गुना कितना 20 यानी 3 दुना कितना 600, ठीक है, और ये 600 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो यहां से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब आपको सब चीज पता चल गया, तो P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर P बराबर होता है W बटा T, ठीक है, कार्य बटा समय। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये तो स्थिति है, सीढ़ी जो रहता है फिक्स रहता है, ठीक है, वो तो गति में नहीं रहता, वो तो फिक्स रहता है, यानी कि W बराबर हम इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि PE, ठीक है, PE बटा T यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितित ऊर्जा, स्थिति रहती है सीढ़ी तो स्थितित ऊर्जा, तो स्थितित ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा mgh बटा t का t, तो इसी फॉर्मूले पर हम लोग फ्रेंड्स तोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे हल करते हैं, तो यहां से इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा m, तो m मास, मास कितना दे रखा है आपका 60, ठीक है, g, अब देखिए g का मान तो आपका गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तो g का मान कितना होता है 9.8, जैसे कि मैं लिख देता हूं, ठीक है, g बराबर 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ h, h का मान कितना दे रखा है, h का मान दे रखा है 6 मीटर, अब बट्टा कितना t, समय दे रखा है कितना 40 सेकेंड, यहाँ 40, अब इसको हल कर देंगे, अब देखिए फ्रेंड्स इसको हल करने के बाद आपका आता है 88.2 वाट, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, कोई गेंद 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से गिराई जाती है, यदि गेंद जमीन से टकराने पर अपनी गतिज ऊर्जा का 25% नष्ट कर देती है तो वह ऊंचाई क्या है जिस पर वह उछलेगी, यानी कि पहले जो है 12 मीटर की ऊंचाई से विराम अवस्था से गिराई जाती है, यानी कि रुकी हुई अवस्था से उसको गिराया जाता है, ठीक है, किसी गेंद को, और जब वह जमीन से टकराती है तो उसका 25% जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंपल एकदम है, ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे कहता है कि कोई गेंद 12 मीटर ऊंचाई से विराम अवस्था से गिराई जाती है, तो देखिए मान लिया जाए कि अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ए आपका जो गेंद है ये 12 मीटर की ऊंचाई से पहले गिराया जा रहा है जमीन पे, तो ऊंचाई से गिराने के बाद 25% नष्ट हो जा रहा है, तो फिर उसकी हाइट कितनी होगी, यही तो पूछा था ना, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा टोटल पहले होता है 100%, अब 100% में से 25% नष्ट हो गया,
तो देखिएगा फ्रेंड्स, टोटल था पहले 100%, अब 100% में से लॉस हो गया, ठीक है। 100% में से लॉस हो गया कितना परसेंट? 25%। तो बचा कितना परसेंट? 75%, ठीक है। तो 75% बचा। तो अब देखिएगा, अब 100% को ले लेंगे कितना? 12 मीटर। तो 100% पर था कितना? 12 मीटर। तो 12 मीटर था 100% पर, ठीक है। अब यहां से आपका लॉस हो गया, तो लॉस हो गया इसमें 25%, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए हम 85% ले लेते हैं। तो 50% ले लिए, तो 12 का आधा कितना हो गया? 12 का आधा हो गया 6 मीटर। अब इसका फिर कितना? 50%, ठीक है। यानी कि इसका 50% यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर 50% ले लें, ठीक है, तो आधा हो जाएगा कितना? 3 मीटर। यानी कि डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 12 का सीधे हो जाएगा कितना? 25%, ठीक है। तो 12 का अगर 25% लें तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। यानी कि टोटल कितना बचेगा? 12 मीटर में से अगर हम 3 मीटर घटा दें तो कितना मीटर होगा? 9 मीटर। तो यही 9 मीटर आपका क्या करेगा? पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल से अगर बनाते हैं तो मैथमेटिकल देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक शॉर्टकट फंडा बता देते हैं मैथमेटिकल से, देखिएगा ध्यान से, कि टोटल था आपका 100%, ठीक है। टोटल था आपका 100%। अब 100% में से 25% लॉस हुआ, तो बचा कितना? 75%। तो 75% यानी 75/100, ठीक है, काट देंगे, यानी कि कितना? 3/4 भाग। अच्छा, ऊंचाई टोटल कितना था? 12 मीटर। तो 12 मीटर का 3/4 लॉस हो गया, ठीक है। यानी कि 4 × 12, तो 3 × 3 कितना? 9 मीटर। फिर भी बचा कितना? 9 मीटर। तो यही 9 मीटर आपका क्या होगा? जंप करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार आपके कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।